जगन्नाथ मंदिर से जुड़े खास रहस्य जो देते हैं विज्ञान को भी चुनौती। जगन्नाथपुरी के रहस्य। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। समुद्र के किनारा बना यह मंदिर अपने अंदर कई दैव्य चमत्कारों को समेटे हुए हैं। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। यहाँ के प्रमुख रहस्यों में से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, शिखर की ध्वजा हवा के खिलाफ लहराती है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज में से जुड़ी है, यह कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। हवा का रुख है उल्टा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। यह धरती से समुद्र और बहने लगती है, लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया से उल्टा कर और दिन में धरती से समुद्र की ओर वह शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर बहती है, यानी धरती की ओर हवा का भाव होता है। नंबर दो, सुदर्शन चक्र हर जगह से दिखता है सीधा। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नज़र आएगा। नंबर तीन, मंदिर का शिखर नहीं उठता है कोई विमान और पक्षी जगन्नाथ मंदिर की। यह बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कोई भी विमान गुजरता है और न ही उसके ऊपर से कोई पक्षी बैठता है, उड़ता है वह नज़र नहीं आता। नंबर चार, सबसे बड़ी रसोई। सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पकाता है सबसे पहले। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोई और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर। विज्ञान के इस नियम को चुनौती नहीं पड़ती है परछाई। विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर, लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि इस दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नज़र नहीं आती। मंदिर में कदम नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। यह भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंहद्वार के एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में बाहर कदम निकालोगे आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। यह है जगन्नाथ मंदिर की महिमा।